नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन. कौन से नाउन के बारे में? उस नाउन के बारे में जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, आपको नहीं पता कि वो नाउन क्या है. उसके लिए जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है. An interrogative pronoun often said for something that we are not aware of yet. जिसके बारे में अभी हम aware नहीं है, उसका answer होगा, हमें जो मिलेगा वो होगा noun में. ठीक है. जैसे मैं पूछूं कि pen है, मैं pen के लिए पूछूं कि what is this, तो answer किस में होगा? This is a pen. Right? Answer should be in the noun. Correct? तो what लगा के मैंने question पूछा? अबाउट अ नाउन. तो वट हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वट वर्ड जो है इसके लिए लगा क्वेश्चन पूछने के लिए, नाउन के लिए. ठीक है. ओके ओके. वी यूज दोस प्रोनाउन स्पेशली टू आस्क क्वेश्चन. स्पेशली क्वेश्चन पूछने के लिए हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं. नाउ हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से? ये है टू हूम, हूज, व्हाट एंड व्हिच. These are the interrogative pronoun, जो कि noun के लिए use होते हैं. Again, इनके लिए एक चीज याद रखिए कि they are used alone in the sentence. ठीक है, ये अकेले use होते हैं. What is your favorite color? अब अगर answer हो कि black, तो black हमारा क्या हो गया? Noun हो गया भाई, है ना? तो what किसके लिए लगा? Color के लिए. तो ये हमारा क्या है? Color पूछने के लिए, तो interrogative pronoun हो गया. Whose shirt is this? या whose is this? ये किसकी है? Whose हमारा interrogative pronoun हो गया. Whose किसके लिए use होता है? Possession के लिए. Whatsoever do you mean by that? इसका तुमसे क्या मतलब है? या whom were you speaking with last night? तुम किससे बात कर रहे थे? ठीक है. Which of these do you prefer? इन दोनों में से तुम कौन सा prefer करते हो? ठीक है. तो इनका uses देखते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं. तो first of all बात करते हैं who. Who is used for person, people. ठीक है, person के लिए लगता है. ठीक है, used as a subject of the verb. हमेशा subject की जगह पे लगता है, ऐसे नहीं लगता. Subject की जगह पे लगेगा who. जैसे who loves pie, subject की लगा किसको pie पसंद है. अगर मैं बोलू I love pie, तो answer again मैं क्या हूँ? Noun हूँ. ठीक है, who won yesterday? I won yesterday, तो I again what? Noun. ठीक है, या Ram won yesterday, तो Ram is again noun. ठीक है, whom किसके लिए लगता है? Person के लिए लगता है, but for the object. ठीक है, it is used on the place of object. जैसे you saw, you क्या हो गया? Subject, आपने देखा. अब मैं पूछ रही हूँ आपको, आपने देखा किसको? तो किसके लिए हम लगाएंगे? Whom. You saw whom, आपने किसको देखा? ठीक है, तो आंसर नाउन में होगा. यू वेंट विद हुम, तुम किसके साथ गए थे? तो आंसर हमारा होगा नाउन में. करेक्ट है. हुज किसके लिए लगता है? पोजेशन के लिए, कि ये चीज किसकी है. जैसे मैंने हुज इज दिस, ये किसका है? तो आप बोलेंगे इट इज माइन, तो मेरा है, तो मैं क्या हूँ? नाउन हूँ. हुज किसके लिए यूज होता है? पोजेशन दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए. ठीक है, जैसे हु वुड द रेस, या हुज वन द रेस. ठीक है, या हु होना चाहिए, हु वन द रेस. चलिए, व्हाट व्हाट क्या है? एनिमल और थिंग के लिए लगता है. व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू मीन? व्हाट माने क्या? विच होता है चॉइसेस के लिए, प्रेफरेंस के लिए. ठीक है, पीपल के लिए लगता है. ओके, थिंग के लिए भी लगता है, एनिमल के लिए भी लगता है. बट चॉइसेस या प्रेफरेंस बतानी हो तो हम विच लगाते हैं. लाइक विच इज स्मार्टर, विच इज फास्टर, विच इज हैवियर. ठीक है, करेक्ट. जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी अभी, विच ऑफ दीज डू यू प्रेफर, इनमें से तुम कौन सा प्रेफर करते हो? तो विच लगा चॉइस के लिए. ठीक है, क्लियर है? दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इफ इट इज क्लियर देन शो मी थम्स अप. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट